हेलो स्टूडेंट्स आइए आपकी आज की वर्कशीट देख लेते हैं ये वर्कशीट है 27 अगस्त की वर्कशीट वर्कशीट नंबर 23 23 ये भूगोल की आपकी ज्योग्राफी की सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस की ये वर्कशीट है ये वर्कशीट हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही करेंगे तो इस वीडियो में साथ बने रहिए फिर इस वर्कशीट के बाद हम इंग्लिश की वर्कशीट करेंगे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही साथ जो हम यहाँ पर सैम्पल आंसर दिखाते हैं आप पहले खुद आंसर अटेम्प्ट कीजिए और उसके बाद इन आंसर से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं या कोई आपको डाउट है तो हमसे या अपनी टीचर्स के साथ आप उसको डिस्कस कर सकते हैं तो जल्दी से देख लेते हैं इस वर्कशीट में आपकी क्या है तो इस वर्कशीट में आपकी भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें एवं खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें फसलों के बारे में बताया गया है तो कौन सी ऐसी फसलें हैं हमारे देश में जो खाने के काम आती हैं, जो क्रॉप ग्रेन होती हैं या कैश क्रॉप्स होती हैं, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक टेबल दी गई है बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये अलग अलग फसलों के बारे में बताया है तो यहाँ प्रमुख फसलों के नाम है फिर उधर जो उनकी उनको उगाने के लिए कैसी जलवायु चाहिए कैसी क्लाइमेट चाहिए वो यहाँ पर है फिर वो कहाँ कहाँ पर उगाई जाती है उनका वितरण क्या है वो कहाँ पर उगाई जाती है उन क्षेत्रों के नाम है यहाँ पर और फिर उनकी कुछ विशेषताएं यहाँ पर बताई गई हैं। तो पहली है चावल तो चावल की जो फसल है उस वो उपम्रदा चीका मिट्टी के साथ जलोढ़ मृदा यहाँ पर मिट्टी जैसी चाहिए उसको उसके बारे में बताया गया है और तापमान जो है 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा उसे चाहिए होता है साथ ही साथ रेनफॉल उसे बहुत ज्यादा चाहिए होता है वो 100 सेंटीमीटर से अधिक रेनफॉल वर्षा उसे चाहिए होती है तो चावल कहाँ उगाया जाता है यह उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र तटीय क्षेत्र जैसे तमिलनाडु पश्चिम बंगाल उड़ीसा पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि जगहों पर चावल को उगाया जाता है इसकी प्रमुख विशेषता यही है कि भारत का प्रमुख खाद्यान्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है ये भारत की विश्व में चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा इसका उत्पादक देश है। तो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है फर्स्ट चाइना है चीन है और दूसरा गेहूं तो गेहूं से 25 डिग्री सेंटीग्रेड उसके लिए ठीक रहता है और वर्षा जो है अब ज्यादा बारिश नहीं चाहिए इसको वर्षा जो है 50 से 75 सेंटीमीटर तक ही 50 से 75 सेंटीमीटर की रेनफॉल ही उसे चाहिए बहुत ज्यादा नहीं चाहिए और ये कहाँ उगाया जाता है ये उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का जो मैदान है दक्कन की जो काली मिट्टी का क्षेत्र है पंजाब हरियाणा मध्य प्रदेश इन जगहों पे इसको उगाया जाता है ये भारत की दूसरी प्रमुख फसल है और भारत जो है विश्व में दूसरा सबसे बड़ा इसका उत्पादक देश है तो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है भारत वीट का फिर तीसरी आपकी क्रॉप यहाँ पर बताई गई है मक्का यानी मेज तो ये जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त होती है इसके लिए इसे कम वर्षा और कम आर्द्रता की जरूरत होती है तो ये कम ह्यूमिडिटी और कम रेनफॉल इसकी इसकी जरूरत है इसे कर्नाटका मध्य प्रदेश बिहार महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश आदि में उगाया जाता है ये मोटे अनाजों में ज्वार बाजरा और मक्का प्रमुख है ज्वार भारत की तीसरी प्रमुख फसल है तो तीसरी प्रमुख ज्वार है और मोटे और अनाज जो है बाजरा और मक्का जो है वो भी प्रमुख है चौथी आपकी फसल यहाँ बताई गई है चना तो चना जो है वो शुष्क एवं ठंडी जलवायु की जरूरत उसे होती है साथ ही उसे मध्यम वर्षा यानी 60 से 90 सेंटीमीटर 60 टू 90 सेंटीमीटर की उसे रेनफॉल चाहिए ये मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश राजस्थान हरियाणा पंजाब और महाराष्ट्र में प्रमुखतः उगाया जाता है विश्व में चना उत्पादन में भारत का पहला स्थान है तो वर्ल्डवाइड इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चना का आगे चलते हैं आगे और कौन सी फसलों के बारे में आपको बताया गया है दो और फसलें यहाँ पर आपको बताई गई हैं एक है मूंगफली तो मूंगफली को चाहिए शुष्क जलवायु दोमट बलुई मिट्टी और लाल बलुई मिट्टी अधिक इसके लिए उपयुक्त होती है गुजरात आंध्र प्रदेश तमिलनाडु कर्नाटक प्रमुख उत्पादक प्रदेश है इसके कुल तिलहन उत्पादन का आधा भाग मूंगफली से प्राप्त होता है तो बहुत ज्यादा जो ऑयल का जो है वो यहां से मूंगफली से ही हमारा ऑयल प्रोडक्शन जो है होता है गन्ना फिर ये अगली फसल आपको गन्ना बताई गई है उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है ये और तापमान इसका 21 से 27 डिग्री के बीच में इसको चाहिए होता है तो ना बहुत ही ज्यादा गर्मी ना बहुत ही ज्यादा सर्दी इसे 21 से 27 डिग्री चाहिए इसको टेम्परेचर और रेनफॉल जो है वर्षा पिचत्तर से 100 सेंटीमीटर के बीच में इसको चाहिए ये जो है ये उत्तर प्रदेश कर्नाटक तमिलनाडु आंध्र प्रदेश इन क्षेत्रों में इसे उगाया जाता है ब्राजील के बाद ब्राजील के बाद भारत जो है वो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर गन्ने का शुगर केन का भारत ही है और ये जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भारत की प्रमुख नकदी फसल है मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप है इंडिया के लिए गन्ना जो है कैश क्रॉप crop वो क्रॉप्स होती है जिनका प्रोडक्शन uh, जो है उत्पादन जो है मेनली बेचने के लिए किया जाता है और इसको डायरेक्टली बेचकर आप पैसा कमा सकते हैं तो जैसे वीट है चावल है गेहूं चावल जो है इनको आप पहले प्रोसेस करते हैं आटा बनता है या किसी और तरीके से यूज होता है तब ये बिकता है तब इसका सही पैसा आता है लेकिन गन्ना ऐसा है कि आपने खेत से निकाला और बेच दिया तो इसलिए ये कैश क्रॉप्स कहलाती है इसका डायरेक्ट जो है मार्केट में आप इसे ले जा सकते हैं जल्दी से इन प्रश्नों को भी देख लेते हैं और फिर प्रश्न देखने के बाद हम इसी वर्कशीट को इंग्लिश में भी जल्दी से देख लेंगे तो पहला प्रश्न है आपका अनाज और सब्जी उत्पादन का महंगाई से क्या संबंध है तो ग्रेन का प्रोडक्शन और वेजिटेबल का प्रोडक्शन जो है उसका इन्फ्लेशन से क्या रिलेशन है महंगाई से क्या संबंध है ये भी मैं आपको इंग्लिश वर्कशीट में इसको साथ में दिखा दूंगी प्रश्न दो है आपका आप सबसे अधिक किस अनाज का प्रयोग करते हैं तो ये आंसर जो है ये आपको खुद ही लिखना है कि आप कौन सा uh, ऐसा ग्रेन है कौन सा अनाज है जो आप सबसे ज्यादा खाते हैं तो अगर आप गेहूं खाते हैं तो आप गेहूं लिखिए अगर आप चावल खाते हैं तो आप चावल लिखिए या कोई और अगर ग्रेन आप खाते हैं जैसे कि मक्का खाते हैं या फिर आप अः uh, कोई और ग्रेन अगर खाते हैं जैसे चावल खाते हैं या गेहूं तो आप वो भी लिख सकते हैं यहाँ पर फिर चलते हैं आपके प्रश्न तीन पर तो प्रश्न तीन आपका कहता है कि किन्ही दो नकदी फसलों के नाम लिखिए तो पहला एक फसल तो गन्ना मैंने आपको पहला बता ही दिया फिर दूसरा एक और फसल आपका कॉटन या कपास भी हो सकता है फिर चौथा प्रश्न है आपका अपने घरों में प्रयोग होने वाली प्रमुख तिलहनी फसलों की एक सूची बनाइए तो ऐसी फसलें जैसे मूंगफली एक तिलहनी फसल है तो उसी के जैसी अगर आपके घर में कोई और भी ऐसी फसल जो है वो उग, आ, यूज होती है तो आ, वो आपको यहाँ मेंशन करनी है तो जल्दी से मैं आपको यहाँ पर इंग्लिश की वर्कशीट भी दिखा देती हूँ सेम ही वर्कशीट है यहाँ आप देख सकते हैं ये मेजर क्रॉप्स है फिर ये क्लाइमेट यहाँ आपको बताई गई है डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है कहाँ कहाँ ये मिलती है और इसके सेलियन फीचर्स आपको बताए गए हैं ऑलरेडी मैं डिस्क्राइब कर चुकी हूँ राइस व्हीट कॉर्न ग्राम पीनट शुगर केन तो इसलिए मैं ज्यादा इसके डिस्क्रिप्शन में अभी नहीं जाऊंगी अगर आपको ये समझना है तो आप हिंदी वाले डिस्क्रिप्शन में ईजिली समझ सकते हैं तो पहला क्वेश्चन जैसा कि मैंने आपको कहा यहाँ आपका पहला क्वेश्चन था हाउ आर ग्रीन एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन रिलेटेड टू इन्फ्लेशन जल्दी से उसका आंसर देख लेते हैं तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर यही होगा कि जितना ज्यादा ग्रेन और वेजिटेबल का प्रोडक्शन होगा उतना ही ज्यादा वो मार्केट में अवेलेबल होगा उतना ही ज्यादा वो बाजार में उपलब्ध होगा और जितना ज्यादा वो उपलब्ध होगा उतनी ही उसकी महंगाई कम होगी तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वहीं अगर उत्पादन कम है प्रोडक्शन कम है तो बाजार में उपलब्धता भी कम हो जाएगी अवेलेबिलिटी भी कम हो जाएगी इसीलिए महंगाई जो है वो बढ़ जाएगी देर बी राइज इन इन्फ्लेशन चलते हैं आपके दूसरे प्रश्न पर दूसरा प्रश्न जैसे मैंने आपको कहा कि आप इसमें जो भी ज्यादा आप सीरियल या जो भी खाद्य पदार्थ आप बहुत ज्यादा जो खाते हैं जो ग्रीन आप ज्यादा खाते हैं वो आप यहाँ पर जो भी अनाज आप ज्यादा खाते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे गेहूं चावल चना इनमें से कुछ भी आप लिख सकते हैं क्वेश्चन थ्री है आपका राइट द नेम्स ऑफ एनी टू कैश क्रॉप तो मैं जल्दी से उसका आंसर भी यहाँ लिख देती हूँ आपको और साथ ही साथ मैं लिख देती हूँ क्वेश्चन फोर का आंसर जैसा कि मैंने आपको कहा कि ऑयल सीड जो क्रॉप्स है आपके घर में जो यूज होती है वो आपको यहाँ लिखनी है तो यहाँ पर उत्तर तीन में आप लिख सकते हैं शुगर केन कॉटन जूट गन्ना कपास या जूट आप लिख सकते हैं इनमें से कोई भी दो लिखने हैं आपको फोर्थ में सोयाबीन ग्राउंडनट मस्टर्ड सनफ्लावर सेसमे सोयाबीन का तेल आप हो सकता है यूज करते हो मूंगफली का तेल हो सकता है यूज करते हो सरसों का तेल हो सकता है यूज करते हो सूरजमुखी का या तिल का तेल तो इनमें से जो भी आप अपने घर में यूज करते हैं उस वो सब आप यहाँ से लिख सकते हैं अब चलते हैं आपकी इंग्लिश की वर्कशीट की तरफ ये हो गई आपकी ज्योग्राफी जोग्राफी की वर्कशीट तो अब इंग्लिश की वर्कशीट की तरफ चलते हैं आपकी जल्दी से मैं देख लेती हूँ कि इसकी इंग्लिश की वर्कशीट में क्या है तो इंग्लिश की वर्कशीट जो है आपकी ये है आपका सप्लीमेंट रीडर जो है आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट उसके बारे में है ये उसमें से एक चैप्टर लिया गया है अब इस चैप्टर में से आपके एग्जाम में क्या आएगा तो इस चैप्टर में से आपके एग्जाम में आएगा आ, दो तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके तो एक तो दो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे जिसे जिसका आंसर आपको 30 से 40 वर्ड में लिखना है तो दो दो क्वेश्चन दो आएंगे और हर क्वेश्चन के मार्क्स दो दो करके चार मार्क्स ये टोटल का हो जाएगा और इसी तरह से एक आएगा, आएगा आपका वन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन तो कोई भी एक चैप्टर में से आपको लॉन्ग आंसर टाइप होगा जिसमें आपको हंड्रेड से वन फिफ्टी वर्ड्स में आपको आंसर लिखना होगा और ये आठ मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो इंग्लिश की वर्कशीट में आज आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर ट्वेंटी थ्री में क्या है ये और देख लेते हैं कौन सा चैप्टर यहाँ पर डिस्कस किया गया है वो देख लेते हैं तो यहाँ पर डिस्कशन हुआ है चैप्टर वन का ये चैप्टर है अ ट्रायम्प ऑफ सर्जरी तो सर्जरी में आपने क्या खुशी मिली क्या विक्ट्री मिली उसके बारे में है ये तो जल्द इसमें देख लेते हैं कि चैप्टर में क्या है आपको छोटा सा इंट्र, इंट्रोडक्शन भी दिया गया है सो ट्रिकी अ स्मॉल डॉग इज pampered एंड overfed by his हिज रिच मिस्ट्रेस तो एक छोटा सा कुत्ता है छोटा सा डॉग है जिसका नाम है ट्रिकी और उसकी जो ओनर है उसकी जो मिस्ट्रेस है उसको उसका जो ध्यान रखती है, वो उसको बहुत ज़्यादा ही पैम्पर करती है मतलब ज़रूरत से ज़्यादा ही ध्यान रखती हैं उसकी हर कही हुई हर बात को हर इच्छा को वो पूरा करती हैं और साथ ही साथ जरूरत से ज़्यादा उसको खिलाती भी हैं बहुत ज़्यादा उसको खाना खिलाती हैं उस वजह से क्या होता है ही फॉल्स सीरियसली इल वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाता है एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट अ वेटनरी सर्जन डॉक्टर हेरियट हु नरिड्स द स्टोरी ऑफ द डॉग्स ट्रीटमेंट हाउ डज द डॉग रिकवर तो उसके बाद जब वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाता है तो वो उसे एक डॉक्टर के पास लेकर जाती है एक सर्जन के पास लेकर जाती है जिन सर्जन का नाम होता है डॉक्टर हेरियट तो डॉक्टर जो है फिर ये कहानी बताते हैं कि कैसे उस डॉग का जो है ट्रीटमेंट होता है तो जल्दी से ये आपको एक, एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है उस चैप्टर में से वो पढ़ लेते हैं फिर आपके जो क्वेश्चन होंगे वो भी इसी एक्सट्रैक्ट पे बेस्ड होंगे तो इसलिए जरा ध्यान से सुनिएगा इसको आई वॉज रियली वरेड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम तो इसमें आए कौन है आए हैं इसमें डॉक्टर हैरियट क्योंकि वही ये स्टोरी जो है नरेट कर रहे हैं वही ये कहानी सुना रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि इस बार जो है मैं ट्रिकी के लिए ट्रिकी डॉग है उसके लिए बहुत ज्यादा चिंतित था आई हैड पुल्ड अप माई कार आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपियरेंस तो मैंने ट्रिकी को जो है गली से जाते हुए देखा अपनी ओनर के साथ अपनी मिस्ट्रेस के साथ और एकदम से मैंने अपनी गाड़ी में गाड़ी को रोका मैं अपनी गाड़ी में था और एकदम से गाड़ी को रोका और जब मैंने उसको देखा तो मैं बहुत ज्यादा शॉक हो गया मैं बहुत ज्यादा अचंबित हो गया जब मैंने उसकी देखी कि वो जैसा दिख रहा था He had become hugely fat. तो यहाँ पर ट्रिकी की जो अपियरेंस है वो यहाँ पर बताई गई है कि कैसा वो दिख रहा था वो बहुत ही ज्यादा मोटा हो गया था लाइक अ हीटेड सॉसेज विद एट ईच कॉर्नर तो सॉसेज की शेप जो है थोड़ी ऐसे होती है और इसी को उसने 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 कहा कि डॉक्टर हैरियट ने कहा कि वो बिल्कुल सॉसेज की तरह बहुत मोटा सा सॉसेज दिख रहा था और बस ऐसा लग रहा था कि जैसे नीचे ऐसे दो यहाँ पर चार पैर हों छोटे छोटे और ऐसा वो दिख रहा था ये देखिए यहाँ पर इस तरह से और बहुत ही मोटा वो हो चुका था ट्रिकी फिर वो आगे कहते हैं कि हिज आईज ब्लड शॉर्ट एंड र्यूमी स्टेड स्ट्रेट अहेड एंड हिज हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम तो उसकी जो आंखें थी ट्रिकी की वो ब्लड शॉर्ट थी तो ऐसा लग रहा था बिल्कुल लाल आंखें हो रखी थी खून जैसे भरा हो उनमें और र्यूमी थी र्यूमी का मतलब होता है कि जैसे आंखों से जो है पानी निकल रहा हो तो लगातार उसकी आंखों से पानी निकल रहा था ऐसी उसकी आंखें दिख रही थी और वो बस सामने देखे जा रहा था स्ट्रेट स्ट्रेट अहेड मतलब सामने देखे जा रहा था और उसकी जो टंग थी उसकी जीप जो थी

ही सीम टू हैव नो एनर्जी ऐसा लग रहा था कि कोई एनर्जी ही नहीं है उसमें आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन सो आई हैव बिन गिविंग हिम सम लिटिल एक्सट्राज बिटवीन मील टू बिल्ड हिम अप मॉल्ट एंड कॉडलिवर ऑयल एंड अ बोल ऑफ हॉलिकम स्लीप नथिंग मच रियली तो जो है उसकी जो ओनर थी वो फटाफट ऐसे एक्सप्लेनेशन देने लगी कि नहीं नहीं मैंने ना बस बहुत ज्यादा नहीं दिया वो बहुत ही ज्यादा वीक दिख रहा था बिल्कुल एनर्जी नहीं थी मुझे ऐसा लगा कि उसको तो मैल न्यूट्रिशन हो गया है है कि बिल्कुल ही जैसे ना भुखमरी हो गई है उसको तो इसलिए कुछ नहीं ताकि वो थोड़ा सा बेटर हो जाए तो ऑफकोर्स आप देख सकते हैं कि ये एक्चुअली उसको लगा कि ज्यादा कुछ नहीं बट एक्चुअली में ये बहुत ही ज्यादा था ट्रिकी के लिए तो आगे फिर मिस्टर हेरियड जो हैं जो डॉक्टर है वो कहते हैं एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू तो वो पूछते कि मैंने आपको कहा था कि इसको मीठा नहीं खिलाना है मीठा कम खिलाना है तो क्या आपने वो किया तो कट डाउन का मतलब होता है कम करना सो यू हैव टू कट डाउन ऑन स्वीट मतलब की आपको मीठा कम खाना है ट oh, so तो फिर पंफरी ने बोला की हाँ हाँ मैंने कुछ टाइम के लिए तो उसको नहीं दिया था मीठा बहुत कम कर दिया था लेकिन फिर से वो इतना कमजोर इतना वीक दिखने लगा कि मुझे फिर से उसे देना पड़ा आई हैड टू रिलेंट मतलब कि मुझे उसकी जो अः इच्छाएं थी वो उसे फिर से पूरी करनी पड़ी ड लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स उसको क्रीम केक्स और चॉकलेट्स इतनी पसंद है तो क्या करूं जब उसने मुझसे मांगा तो मुझे देना ही पड़ा वो बेचारा इतना कमजोर दिख रहा था आई कान बेर टू रिफ्यूज मैं उसे मना ही नहीं कर सकती मैं क्या करूं I लुक down again at the little dog तो यहाँ पर फिर मिस्टर हैरियट ने दोबारा से ट्रिकी की तरफ देखा दैट वॉज द ट्रबल ट्रिकी इज ओनली फॉल्ट वॉज

जो था वो बहुत ही लालची हो चुका था क्यों क्योंकि उसने जब भी कुछ मांगा तो मिसेस पंफरी ने उसे हमेशा दिया तो जब भी चाहे दिन का कोई भी समय हो या रात हो उसने खाने के लिए जब भी कुछ भी मांगा तो उसे हमेशा मिसेस पंफरी ने दिया तो इसलिए वो ऐसे लालची खाने के लिए हो चुका था और खा खा कर खा खा कर वो इतना मोटा हो चुका था कि अब उसकी बिल्कुल ही हालत बहुत ही बुरी हो चुकी थी अब इसी पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस हैं जल्दी से आपके क्वेश्चंस भी देख लेते हैं तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही है कि हु इज आई रेफर टू इन द अब एक्सट्रैक्ट तो ऊपर आई कौन है मैंने जैसा कि आपको कहा कि आई यहां पर मिस्टर हैरियट है तो आप लिखेंगे आई इन द अब एक्सट्रैक्ट रेफर्स टू मिस्टर हैरियट फिर आपका क्वेश्चन टू है वाई वॉज ही वरिड तो वो चिंतित क्यों थे तो जल्दी से मैं आपको उसका आंसर भी यहां दिखा देती हूँ तो मिस्टर हैरियड क्यों चिंतित थे जैसे मैंने आपको समझाया वो इसलिए चिंतित थे क्योंकि जो डॉग था ट्रिकी जो था वो बहुत ही ओबीस दिख रहा था ओबीस का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा मोटा होना और लिस्टलेस उसकी अपियरेंस हो गई थी बिल्कुल ही लेजी सा और ऐसी कहीं खोया खोया सा वो नजर आ रहा था चलते हैं क्वेश्चन थ्री पर क्वेश्चन थ्री आपका कहता है व्हाट डिड मिसेस पंफरी थिंक द डॉग वाज सफरिंग फ्रॉम तो इजीली आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं पैसेज में भी कि मिसेस पंफरी को लगा कि जो डॉग था ट्रिकी जो था उसे मैल न्यूट्रिशन था क्वेश्चन फोर आपका देख लेते हैं क्वेश्चन फोर कहता है व्हाई वाज मिसेस पंफरी गिविंग लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू हिम तो मिसेस पंफरी जो है डॉग को ट्रिकी को मील्स के बीच में थोड़ा सा वो एक्स्ट्रा क्यों दे रही थी तो अगेन डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो थोड़ा सा इसलिए दे रही थी उसको एक्चुअली क्योंकि उन्हें लगा कि ट्रिकी जो है बहुत ही लिस्टलेस दिख रहा था जैसे उसकी कोई एनर्जी नहीं हो और उन्हें लगा कि उसे न्यूट्रिशन हो गया है तो इसलिए वो उस, उन्हें उसे वो ट्रिकी को थोड़ा एक्स्ट्रा खाना दे रही थी अगला क्वेश्चन है आपका वट स्वीट थिंग्स आर रेफर टू इन एक्सट्रैक्ट तो यहाँ पर जब स्वीट थिंग्स की बात करते हैं जब मिस्टर हेरियट कहते हैं कि क्या आपने उसको स्वीट थिंग्स देना कम किया जो मैंने आपको बोला था तो उसका क्या मतलब है तो उसका मतलब यही है कि क्रीम केक्स चॉकलेट्स एंड अदर डिजर्ट आर बींग रेफर टू अ स्वीट थिंग्स इन द एक्सट्रैक्ट तो जो बाकी जो चीजें थी वो उसी के बारे में यहां पर बात हो रही है अब आपका लास्ट क्वेश्चन यहां पर है कि आपको पैसेज में से वर्ड ढूंढना है जिसका मतलब ये है यहाँ पर जो फ्रेज़ेस या वर्ड्स दिए गए हैं तो पहला है आपका एक्सेसिवली मतलब बहुत ज्यादा तो यहाँ वर्ड्स देखेंगे आप ह्यूजली और र्यूमी जैसा मैंने आपको बताया ह्यूजली का मतलब होता है बहुत बड़ा र्यूमी का मतलब होता है जब आंखों से आपके पानी निकलने लगे और यही आपका पार्ट बी भी है अ वॉटरी डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज और आईज उसको क्या बोलते हैं उसको र्यूमी बोलते हैं जब आंखों से पानी निकलने लगे लैकिंग एनर्जी एंड ये सी पार्ट है मतलब कि कोई एनर्जी नहीं है कोई एंथुजियाजम नहीं है उसको हम लिस्टलेस बोलते हैं फोर्थ है लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन कॉज्ड बाई नॉट खाना ढंग से नहीं मिलता है तो न्यूट्रिशन कम हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं अगेन डिस्क्राइब कर चुकी हूं मैं उसे मैल न्यूट्रिशन कहते हैं फिर ई पार्ट है टू रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ समथिंग किसी की क्वांटिटी को कम कर देना मना नहीं करना कम कर देना उसको कट डाउन कहते हैं अगेन एक्सप्लेन कर चुकी हूं पार्ट सेवन लास्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ स्वीट तो स्वीट का ऑपोजिट क्या है स्वीट का ऑपोजिट होता है बिट्टर तो बिट्टर आप लिखेंगे यहां पर आपका ये लास्ट सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर होगा तो आज की आपकी वर्कशीट में इतना ही है उम्मीद करते हैं आपको वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी कोई भी आपको डाउट है तो आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं और ऐसे ही हमारी वीडियोस और से भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इन वीडियोस की से हेल्प मिल सके थैंक यू